हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर वायरस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बनी हमारी इच्छा तथा जानकारी के लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है और उपलब्ध सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीरे या पूर्णतः रोक सकता है। कुछ वायरस कंप्यूटर के बूस्टिंग से स्वयं को जोड़ लेता है तथा जितनी बार कंप्यूटर बूस्ट करता है वह उतना ही फैलता जाता है या कंप्यूटर को रिबूट करता रहता है। वह कंप्यूटर के डेटा या प्रोग्राम को क्षति पहुंचाता है। हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने का सामान्य तरीका इंटरनेट तथा अवांछित ईमेल है। कंप्यूटर वायरस भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बूस्टर सेक्टर वायरस, परजीवी वायरस, पैरासाइटिक वायरस, मल्टीपार्टिट वायरस, लिंक वायरस, माइक्रो वायरस। वायरस को नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं। इसमें ऑटो प्रोटेक्ट तथा रियल टाइम प्रोटेक्शन की सुविधा रहती है जो इंटरनेट से किसी फाइल का उपयोग करने के पहले उसे जांच लेता है कि यह वायरस मुक्त है या नहीं। अगर फिर भी वायरस सिस्टम में सक्रिय हो जाता है तो हमें सूचित कर देता है, जिसे हम एंटीवायरस के सिस्टम स्कैन चलाकर हटा सकते हैं। कुछ समय के अंतराल पर पूर्ण सिस्टम स्कैन चलाकर हम कंप्यूटर को वायरस मुक्त रखने में सक्षम हो सकते हैं। सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है। कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित हैं: सी ब्रेन, मंकी, वन हाफ, माइकल एंग्लो, क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोसी। धन्यवाद।